श्रीमती फूलो देवी नेताम जी। हाँ माइक काम कर रहा है, एक घंटा। धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की जा रही है। इस बिल के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि त्रिपुरा ने डारलोक समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का अनुरोध किया था। 25 अगस्त 2014 को जनजाति आयोग द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। 25 मई 2016 को मोदी कैबिनेट ने इसे अप्रूवल किया। 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पेश किया गया, चर्चा नहीं हुई। इसके बाद त्रिपुरा की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उपसभापति महोदय, 7 फरवरी 2022 लोकसभा में पेश किया गया, 25 मार्च 2022 लोकसभा में पास किया गया। आज यह बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की सूची में और अनुच्छेद 342(2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानून बनाकर लिस्ट संशोधित किया जा रही है। वर्ष 1950 में अधिकांश राज्यों में यह सूची बनी थी। त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002-2003-10 द्वारा संशोधित की गई थी। आज बिल के माध्यम से संविधान संशोधन करके त्रिपुरा की अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में डारलोक समुदाय को शामिल किया जा रहा है। इससे डारलोक जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। महोदय, आरक्षण हम आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? क्योंकि इससे हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन हम तो दो तरफ लड़ना पड़ता है, हमें दोनों तरफ लड़ना पड़ता है। अध्यक्ष सभापति महोदय, पहले तो संविधान से मिले अधिकारों का लाभ लेने के लिए और दूसरा उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यहाँ तो कभी भी आरक्षण समाप्त करने की बात शुरू की जाती है। महोदय, हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं। 35% लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी कर रहे हैं। सभापति महोदय, 74% लोग बेहद गरीब हैं। 86% आदिवासी की आमदनी 50,000 से भी कम है और आजकल तो वहाँ भी नहीं मिल रही है। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकारी कंपनियाँ बेची जा रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया, उसका गठन भी नहीं हो रहा है। अत्याचार बढ़ रहा है। 2020 में आदिवासियों पर 9.3% आरक्षण बढ़ा, आरक्षण के 96% केस तो न्यायालय में लंबित है। महोदय, आदिवासी के लिए बनी योजना पर आवंटित बजट को पूरा खर्च नहीं किया जाता, कैसे आदिवासियों को लाभ मिल पाएगा? अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदिवासियों के विकास के लिए कुल 89,265 करोड़ रुपए का बजट दिया गया,
लेकिन जनजाति कार्य मंत्रालय को उसमें से केवल 8451 करोड़ रुपए यानी लगभग 9% ही दिया गया। आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा मिला उसका 10% भी उन पर खर्च नहीं हुआ। 90% पैसा ये ऐसे योजना पर खर्च किया जा रहा है जो सबके लिए योजनाएं बनी होती हैं। महोदय, बिल के वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि संभावित अतिरिक्त व्यय का इस्टीमेट लगाना संभव नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यय होगा तो उसे अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अंतर समायोजित किया जाएगा। महोदय, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई परिजन आता है, तो हम सोचते हैं कि एक कटोरी चावल ज़्यादा डालें ताकि उसको भी भूख लगी होगी, उसको भी खाना खिलाना है। उस आधार पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि डारलोक जनजाति को जोड़ा जा रहा है तो त्रिपुरा को अतिरिक्त धनराशि पहले ही मुहैया करानी चाहिए। हमेशा कहती हूँ कि देश की आबादी में 8.6% हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समुदाय को आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी दी जाए। सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान दी जाए। महोदय, आज त्रिपुरा की डारलोक जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया और सवर जनजाति को अनुच्छेद 342 में अधिसूचित करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 13 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध को अप्रूव कर दिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सोरिया, भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया, धागड़, बिड़िया, गदवा, गोद, कोड़ाकू, पंडो, भारिया और गोड आदि समुदाय को भी जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय से दिनांक 15 अक्टूबर 2020, 8 फरवरी 2021 और 6 दिसंबर 2021 को पुनः पत्राचार किए। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति में महार जाति को भी जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ये सभी प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित हैं। उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया, डारलोक को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के लिए 2016 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। चूँकि एक साल बाद मार्च 2023 में त्रिपुरा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो सरकार को वहाँ के आदिवासियों को याद आ गई है और इस बिल पर सदन में चर्चा के लिए लाया गया। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दिसंबर 2023 में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। आदिवासियों को न्याय मिलने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करूँगी, आपकी अनुमति समय 1 घंटे का ही है। अतः बिल का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करती हूँ कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भेजे गए प्रस्ताव पर भी शीघ्र विचार करें और सदन में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, जिससे मुख्यधारा से छूट चुके राज्यों का आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी तरह बिहार का भी, जहाँ पे गोंड है जो अंग्रेजी से उच्चारण करके हिंदी में लिखा जाता है, उसके चलते छोटा छोटा जो हलंत है, उच्चारण है, उसके चलते जातियों में जो परेशानी आई है उसको सुधारा जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्री मानिक शाह जी, प्लीज। समय चाहूंगी अध्यक्ष। श्री मानिक शाह जी, प्लीज। बहुत ही महत्वपूर्ण